अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली दफ़ा खोलना चाहें तो उसके लिए हमें जाना होगा स्टार्ट बटन के ऊपर। यहाँ अगर हम वर्ड लिखते हैं सिर्फ, तो जो रिज़ल्ट होगा उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करके खोल सकते हैं, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, और यहाँ से आपको नज़र आएगा ऑफिस, ऑफिस पर क्लिक करें, तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ज़ाहिर है जब हम काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे तो हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम आसानी के लिए उसको किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से उसको खोलना आसान हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और ऑफिस में जाके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पिन टू टास्क बार। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर तो इसका आइकन एक यहाँ पर टास्क बार में भी बन जाएगा। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा, तो आप देख रहे हैं कि इसका एक आइकन यहाँ बन गया है। और हम ये भी कर सकते हैं कि इसका एक आइकन बना दें डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैं क्लिक करूँगा और माउस का बटन दबाते हुए ड्रैग करूँगा और डेस्कटॉप पे ला के छोड़ दूँगा। तो मेरे पास अभी दो जगह पर इसका आइकन आ गया है, डेस्कटॉप पर भी मौजूद है और टास्क बार पर भी मौजूद है। अब मैं इसको एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा।